भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोरोना की एडवाइजरी जारी हुई थी तब वो इंदौर में अधिकारियों के साथ आईफा अवार्ड के लिए बैठक कर रहे थे। शर्मा ने कमलनाथ पर कई सवाल खड़े करते हुए कहा, राजू मंटाना और गोपाल रेड्डी का कमलनाथ से क्या संबंध है। उन्होंने कहा, कमलनाथ रतुल पुरी के मामा हैं जिन्होंने 3,500 करोड़ का घोटाला किया। वीडी शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने उपचुनाव में 15 महीने का हिसाब न देकर मातृशक्ति जैसे मुद्दों पर बयान दिया। कमलनाथ कोरोना को लेकर अधिकारियों के बताने पर भी गंभीर नहीं हुए। उन्होंने कहा, मृगलानी के छापे में 221 करोड़ मिले थे, छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए 450 करोड़ अग्रिम किसको दिया गया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अजय जैन कौन है। कमलनाथ एमपी में बंटी और बबली की भूमिका में आ गए हैं। कमलनाथ बताएं, बिरला कंपनी से 4 करोड़ का ब्रिज क्रॉप कंपनी को चंदा किसने दिया। अश्विनी शर्मा कौन है। कर्नाटक के संतोष आईटी एक्सपर्ट कौन है। कमलनाथ का हवाला से क्या संबंध था। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव क्यों लड़वाया। किसानों के नाम पर छपे ताम्र पत्रों का जो भुगतान बिना छपे ही किसे किया गया है। हम जिन आरोपों को लगा रहे हैं हम कोई फेंक नहीं रहे हैं, ये आरोप है। इन आरोपों का जवाब कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश की गरीब जनता जिसको आपने लूटा और आपने जो बंदर बांट की पैसे की उसके आधार पर मध्य प्रदेश आपसे पूछना चाहता है। मैं मित्रों पूछना चाहता हूं कि ब्रिज क्राफ्ट कंपनी का मालिक किसका दोस्त था जिसे एमपीटी से 40 करोड़ का भुगतान किया गया। जरा कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें। बिरला कंपनी से 4 करोड़ चंदा, जो मैं मीडिया के मित्रों को बीच में कहता रहा हूं कि दबाव डाल करके कमलनाथ की सरकार ने गुंडीजिम के आधार पर इस मध्य प्रदेश में 4 करोड़ चंदा ब्रिज क्राफ्ट को जबरदस्ती किसने दिलवाया। बिरला कंपनी के माध्यम से इसकी जांच हो रही है। आईफा अवार्ड के अंदर भी हमने ये कहा था कि जिस प्रकार से लोगों को आपने दबाव डाल करके लाभान्वित करने के लिए उद्योगपतियों पर दबाव डाला उसका एक उदाहरण है। तेरा जवाब दे कमलनाथ जी, आप तो केवल मध्य प्रदेश के अंदर आपने विकास केवल मध्य प्रदेश में यही मान लिया था कि विकास में हीरो हीरोइन बुलाएंगे, कमर में हाथ डाल करके वहां डांस हो रहे हैं, इस पर मध्य प्रदेश का विकास होगा। और उनको लाभान्वित करने के लिए आप केवल इसी भूमिका में थे 15 महीने के अंदर। आपको किसी गांव में किसी गरीब के पास जाने की आपको फुर्सत नहीं थी। बल्लभ भवन में या तो बैठ करके जो आपके जिनके मेरे नाम लिए सिपह सालार आपके या तो दलाली का अड्डा बना करके बैठे थे या इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करके आप इस प्रकार की तैयारी कर रहे थे। ना आपको कोरोना से लेना देना था ना मेडिकल कॉलेज। जरा छिंदवाड़ा का आप देखिए, बहुत बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरे कॉलेजों को स्थानांतरण करना, सिंचाई की परियोजना वहां चलेगी, ये तो है ही। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज बने उनका बजट है 300 करोड़ रुपए। छिंदवाड़ा का बजट कितना है? 1,600 करोड़ रुपए। क्या बन रहा है आपको पूछना पड़ेगा मित्रों। ये क्या कमलनाथ जी 1,600 करोड़ में कौन सा मेडिकल कॉलेज बन रहा है? ये भ्रष्टाचार का आपने जो आलम मध्य प्रदेश के बनाया खड़ा किया था उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता की आह, जो आपने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद किया, भांजियों की, बेटों की, गरीबों की, बुजुर्गों की, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, उन योजनाओं को बंद करके आपने जो लूट की थी और छिंदवाड़ा आपने उसका सेंटर बना दिया था उसी का दुष्परिणाम था उनकी आह आपको जमीन पर लेकर के। कमलनाथ जी आपका हवाला कांड से संबंध क्या था ये भी जनता पूछना चाहती है। आपका नाम आया था कि नहीं आया था? आपने इस्तीफा क्यों दिया था? आपने अपनी पत्नी को चुनाव फिर क्यों लड़ाया था? हवाला कांड के आरोप के कारण तो आप उस हवाला कांड के आरोपी थे ये जनता पूछना चाहती है। और आपने पत्नी चुनाव लड़कर के जीत के आई थी लेकिन आप कितने महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं ये तो दुर्भाग्य तब हुआ कि आप इधर उधर से गुणा भाग करके आए और बाद में पत्नी को भी इस्तीफा दिला करके फिर आप चुनाव लड़े। आपको अपनी जो आपकी पत्नी थी वो सांसद बन गई थी उसके बाद उनसे इस्तीफा दिलवाया था। नारी शक्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी भावनाएं क्या हैं, ये संपूर्ण देश ने और मध्य प्रदेश ने देखा, छिंदवाड़ा के लोगों ने भी देखा। बहन भर्ती देवी ने जो कहा कि 5-5 लाख रुपए हर विधायक को कमलनाथ प्रतिमाह देते थे इसलिए शांत बने रहे सरकार के खिलाफ न बोले, ये कितना बड़ा राजनीति में जिस खरीद फरोख्त की आप बात करते हैं
जिस दलाली की आप बात करते हैं, तो ये काम तो कमलनाथ जी आप सरकार के अंदर रहकर के कर रहे हैं। उमंग सिंगार जी ने कहा था मध्य प्रदेश के अंदर कि ये लोग जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलिंग और माफिया के साथ मिलकर के अवैध धन कमाने के आरोपों पर अभी तक जवाब कोई कमलनाथ जी आपने क्यों नहीं दिया? ये ना भाजपा ने आरोप लगाया था, ना मीडिया ने लगाया था, ना किसी और ने लगाया था, आपके कैबिनेट मंत्री ने लगाया था। सरकार में रहकर के कैबिनेट मंत्री जी आरोप लगाए और जो सरकार उनके सारे पर चल रही थी उन पर आरोप लगाए, इसका जवाब भी मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। आपने ऐसे अधिकारियों को प्रमोट किया, ये बड़ा प्रश्न है मध्य प्रदेश के अंदर। जिस अधिकारी पर एमपीएफसी के अंदर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उसको बचाने के लिए आपने सरकारी गवाह बनाया और मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का आलम कमलनाथ जी आपने आते से ही यहां से शुरू किया। जवाब दे इसका, आपने सरकारी गवाह कैसे बनाया? जिस व्यक्ति पर, जिस अधिकारी पर 600 करोड़ के घोटाले का आरोप था, उस व्यक्ति को आपने किया। गोपाल रेड्डी जो आपके प्रमुख अधिकारी थे, उनके बारे में केंद्र ने उनको ऑफिस जाने से पहले रिपोर्ट के आधार पर यह कहा कि इस अधिकारी को ऑफिस में घुसने की हिदायत नहीं है, इनको तत्काल बैरंग वापस जाना चाहिए। मैं नाम ले रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी मोहंती बने थे, जरा जवाब दें कैसे बने थे? गोपाल रेड्डी कैसे बने थे, जिनको केंद्र ने उनको बीच में से ऑफिस जाने से रोका और वापस किया था? इतने भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर थे, आपने इनको सर पर बिठाकर आपके प्रमुख रणनीतिकार थे, ये जनता पूछना चाहती है। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। भैया, रमेश भैया आए, खेत की बखंडी कर दी है, ट्रैक्टर का किराया देना है। तेरी भाभी को बोल दे। भाभी, भाभी, वो ये लो भैया, सुनार के यहाँ रख कर दे दो पैसे। ओ भोली भाली, गिरवी रख के नहीं चुकाने हैं, जेब से निकाल कर देने हैं। किसान निधि शिवराज ने 4,000 बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिए। अब छोटे मोटे खर्चों के लिए कर्ज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हाँ भाभी, जब जब जरूरत होती है ना, तो विश्वास रहता है कि एक शिवराज है जो हमेशा साथ है। शिवराज है तो विश्वास है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।